मैं पापा और आप बेटा, उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है। और पापा 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 सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, एनिमल ने शानदार 5 दिन कंप्लीट करके आज छठवें दिन पे एंट्री मार ली है। आफ्टर जवान एंड पठान एक एनिमल ऐसी मूवी है। रणबीर कपूर में वो दम है जो वर्किंग डेज में भी जबरदस्त कमाई करते नजर आ रहे हैं। भाई साहब, मंडे एंड ट्यूसडे में सॉलिड रेस्पॉन्स रहा है, डबल डिजिट में तो ये मूवी चल ही रही है, क्योंकि वर्किंग डेज में हमने लियो के बहुत बुरे हाल देखे थे, जिसने फर्स्ट डे बहुत अच्छी कमाई करी थी, संडे तक काफ़ी अच्छी कमाई करके लेके आई थी। टाइगर 3 भी हॉलीडेज में अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन जैसे ही वर्किंग डेज आए हैं इस मूवी की धज्जियाँ पिट गई। 10 दिन में ही ये मूवी आई थिंक 12 से 13 करोड़ में ही आके ढह गई थी, लेकिन ये मूवी अभी भी 40 करोड़ स्लाइटली टच कर रही है मंडे एंड ट्यूजडे दोनों दिन को मिलाकर अगर बोले तो। आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे है, देन फ्राइडे है, बस फ्राइडे तक अगर ये मूवी और टिक गई 30 करोड़ से अबव की कलेक्शन और ले आए, तो सैटरडे संडे में जो ये बूस्टर मारेगी 100 करोड़ का दोनों दिन में, भाई तबाही हो जाएगी सॉलिड। और इजी टू इजी 700 से 800 करोड़ ये इसी संडे में कवर अप करते नजर आएगी, अगर वर्किंग डेज में परसों तक ये हालत अच्छी खासी रही तब। तो अभी सभी चीज़ों पर बात करेंगे, कल कैसा क्या रुझान रहा है, कल कैसी क्या कमाई रही है, हिंदी से, साउथ बेल्ट से, नेट इंडिया से, क्रॉस ओवरसीज एंड वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, उससे पहले पहले 4 दिन का कलेक्शन देखेंगे। देन आज एडवांस बुकिंग, आज वेडनेसडे पर कैसी चल रही है, मंडे ट्यूजडे जो वर्किंग डे थे, जो कठिन नगरी परीक्षा होती है जिसे कहते हैं, वो इसने किस हद तक पार करी है, कैसे इसने इस वर्किंग डेज को झेला है, इस रेज को झेला है, बात करेंगे अभी सभी चीज़ों पर। इससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो पहले 4 दिन में कितना कलेक्शन किया है, हिंदी से ही 216 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी ने पहले 4 दिन में, यानी परसों रात एंड ऑफ द डे तक इस मूवी ने कवर अप कर लिया था। साउथ बेल्ट से 29 करोड़, ओवरसीज से 132 करोड़, 40 लाख, एंड पूरी दुनिया से 425 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी थी। 4 ही दिन में 400 करोड़ कवर अप करना, भाई ह्यूज रेस्पॉन्स है। रणबीर कपूर यार ऐसा कोई बड़ा फेस नहीं है, बट ये बंदा अब सुपर टूपर स्टार बन चुका है, क्योंकि शाहरुख खान हमें ठीक है उनके साथ ये मैचअप करता था, भाई 4 दिन में 400 करोड़, 5 दिन में 500 करोड़, प्रभास है, बड़े बड़े जी लियो, थलपति विजय, रजनीकांत, ऐसे चेहरे हैं जो इतनी हाईएस्ट ग्रॉसिंग करते हैं, फास्टेस्ट ग्रॉसर होती हैं इनकी मूवीज, इनके कंटेंट, लेकिन रणबीर कपूर से बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था, देखा जा रहा था, क्योंकि सैम बहादुर का क्लैश चल रहा था, विकी कौशल भी बहुत दमदार है, दैट्स वाई कि अजम्पशन सेट करा जा रहा था कि एनिमल भी नंबर्स में इतना कलेक्शन नहीं कर पाएगी, हो सकता है 500 करोड़, हो सकता है 600 करोड़, लेकिन मूवी अच्छी लगेगी, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन मूवी बाई गॉड अच्छी लगी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस में भी जो आग फाड़ रही है भाई। देन बात करें कल डे 5 यानी कल फर्स्ट ट्यूसडे कैसा रहा इसका, भाई सॉलिड तबाही मचाई है, पूरी 45 से 48% की ऑक्यूपेंसी रही है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट तक, और इवनिंग में तो अभी भी जबरदस्त हाउसफुल शो चल रहे हैं और फाड़ के चल रहे हैं। सिर्फ हिंदी से कल आते दिखाए लगभग 36 करोड़, एंड साउथ बेल्ट से ये मूवी कल 2 करोड़ 25 लाख के आसपास कवरअप करते नजर आ रही है। साउथ में अब ग्रोथ धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, स्टार्टिंग के 4-5 दिन में ही ग्रोथ सही रहती है, उसके बाद डाउन हो जाती है। देन टोटल नेट इंडियन कलेक्शन ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम को मिलाकर एंड हिंदी आईमैक्स ऑल्सो को मिलाकर 38 करोड़ 25 लाख, स्लाइटली 38.5 करोड़ के आसपास ये मूवी पहुंच गई थी जब मैंने लास्ट चेक किया था। तो कल बहुत ह्यूज कलेक्शन है, अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, जब ऑफिशियल डेटा मेकर्स की तरफ से रिवील आउट हो जाएगा तो हो सकता है ये मूवी 40 करोड़ भी टच कर जाए, एंड इजीली 40 करोड़ इजीली टच कर जाएगी, क्लैश चल रहा है बावजूद इसके, अभी डंकी और सालार मूवी आनी बाकी है भाई, लोग फिर भी देखने जा रहे हैं, बजट मेंटेन करना था लोगों को, क्योंकि इस बार बहुत सी बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं एंड पर टिकट प्राइस 200 या 250 रुपये होता है, और एक क्रॉस कलेक्शन कल एंड ऑफ द डे तक रहा है लगभग 44 करोड़, ओवरसीज से कल 15 से 16 करोड़ आते दिखाए तो, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल इजी टू इजी आराम से 60 करोड़ टच करते नजर आ रही है भाई, सॉलिड तबाही है, बिल्कुल सॉलिड तबाही है। रणबीर कपूर से एक्सपेक्टेशन था ही नहीं, ब्रह्मास्त्र जो उनकी मूवी बहुत हाईएस्ट ग्रॉसर बताई जा रही थी उसको तो 4 ही दिन में ढेर कर दिया इस मूवी ने, जो जिसने 300 करोड़ का या 350 करोड़ का बजट था शायद ब्रह्मास्त्र का, उसको कवरअप तो कर लिया था लेकिन प्रॉफिट उतना ज़्यादा नहीं कमा पाई थी, लेकिन एनिमल का 100 करोड़ बजट और प्रॉफिट देखिए 3 ही दिन में 4 ही दिन में 300 करोड़ का प्रॉफिट,
और अभी तो ये मूवी शायद 1000 crore भी इजी टच कर जाएगी क्योंकि रिव्यू बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हेटर्स भी जबरदस्त रिव्यू दे रहे हैं अभी इसको, क्योंकि वर्किंग डेज में जो रेज झेल रही है उसके बाद भी अलग क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बहुत से ऐसे मोमेंट हैं मूवी में जो बिल्कुल क्रिटिसाइजेबल हैं, जो वो सब चीज़ें अलग है, उसका अलग सिनेरियो चल रहा है, बावजूद इसके एनिमल को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो कल एंड ऑफ द डे तक यानी पहले 5 दिन में कितना कवर अप कर लिया, हिंदी से 252 करोड़, साउथ बेल्ट से 31 करोड़ 25 लाख, नेट इंडिया से 283 करोड़ 74 लाख का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी। और कल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरी दुनिया से मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 485 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है। भाई साहब ऑफिशियल डेटा जब आएगा तो मे भी 490 करोड़ भी हो जाएगा। भाई सॉलिड तबाही है, 5 ही दिन में स्लाइटली 500 करोड़ को टच करना बिल्कुल बिल्कुल मामूली बात नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड की मूवी हिंदी मूवीज को 500 करोड़ लाइफ टाइम कलेक्शन करने के लिए भाई थिएटर हाउस में कम से कम 1 महीना टिकना पड़ता था। आप अगर चेन्नई एक्सप्रेस को ले लो, बजरंगी भाईजान के ले लो, सुल्तान को ले लो, भाई एक एक महीने की रन टाइम थी इनकी थिएटर में, 1.5 महीने 2 महीने, तब जाके ये 500 करोड़ 550 करोड़ 600 करोड़ कवर अप करते नजर आई थी। लेकिन भाई ये मूवी 5 ही दिन में स्लाइटली 500 करोड़ टच कर रही है, बहुत ह्यूज ग्रोथ है, ह्यूज ग्रोथ। देन बात करें आज डे 6 में कैसा क्या रुझान है, भाई आज तो वेडनेसडे वर्किंग डे है, आज भी वर्किंग डे है, आज भी इतना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी गिरी है, ओवरऑल डे की ऑक्यूपेंसी गिरी है लगभग में लगभग एडवांस बुकिंग 7.5 करोड़, जिसमें से सिर्फ हिंदी से 6 करोड़ आता नजर आ रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द बुकिंग साउथ बेल्ट से हुई है, कन्नड़ा तमिल तेलुगु मलयालम वगैरह लैंग्वेज से लगभग में लगभग 1.5 करोड़ या 1.2 करोड़ के आसपास ये बुकिंग आज के लिए हुई है। तो आज अर्ली एस्टिमेट क्या है नेट इंडिया से, लगभग में लगभग 35 से 36 करोड़ आज भी ये मूवी सिर्फ नेट इंडिया से कवर अप करते नजर आ रही है ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, जिसमें सिर्फ हिंदी का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है ईजी टू ईजी 32 करोड़ के आसपास। भाई हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी ऑडियंस से भरपूर प्यार मिल रहा है और दिल खोल के प्यार मिल रहा है। एंड ओवरसीज से कितना आएगा इस मूवी को, लगभग में लगभग आज 16 से 17 करोड़ या मे बी 18 करोड़ भी टच कर जाए ओवरसीज से, बट 15 करोड़ से नीचे नहीं आने वाला है। तो पूरी दुनिया से आज मूवी कितना कलेक्शन कर लेगी, ईजिली 55 से 60 करोड़ के बीच में ये एग्जिस्ट कर रही है, हु नोस 60 करोड़ भी टच कर जाए, हु नोस, लेकिन 55 करोड़ से नीचे नहीं आने वाली है, 57-58 करोड़ जो भी आएगा लेकिन फाड़ के आएगा। आज वेडनेसडे वर्किंग डे है, डे 6 है और आज ये मूवी 500 करोड़ ईजिली क्रॉस करते नजर आ रही है, 500 करोड़ के क्लब में ये मूवी पहले 6 दिन में ही एंट्री मार चुकी है। तो क्या ये 1000 करोड़ टच कर जाएगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर, क्या 700, 800 करोड़, 900 करोड़ कहां पर जाकर एडजस्ट करेगी। मेरा मानना है भाई 700 करोड़ ईजिली अपने खाते में लाएगी लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, मिलते हैं वीडियो में, जय।